हेलो एवरी वन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल करियर ग्लो एंड करियर ग्लो इज ऑलवेज़ हैप्पी टू हेल्प यू इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तो जैसा कि आप जानते हो कि हम लोगों ने साइकोलॉजी का सीरीज़ चलाया हुआ था जिसके अंदर हम एम डब्ल्यू एफ में आपके लिए क्वेश्चन को लेकर आए थे तो ये डी ट्रिपल एस बी का टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का पी आर टी सीरीज़ है और आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी एज अ नेचुरल एंड सोशल साइंस साथ ही में ये आपकी थर्ड क्लास है विच इज़ प्रजेंटेड टू यू बाई करियर ग्लो और आप अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर साइकोलॉजी मेनली पूछा जाता है लाइक के वी हो गया या फिर सी टैट में जो सी डी बी सेक्शन होता है ये उसमें आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेगा सो so, इंट्रोडक्शन की बात तो हो गई अब चलते हैं अपने लेसन की तरफ ओके okay. तो अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस तो वो पढ़ते हैं कि साइकोलॉजी को हम एक नेचुरल साइंस क्यों कहते हैं तो जैसे यहाँ पर हमने एफ एम आर आई और ई जी के बारे में पढ़ लिया था अब है साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस सो यहाँ पे लिखा है इट हैज़ बीन मैंशनड अर्लियर ये चीज़ पहले भी हम पढ़ चुके हैं या ये चीज़ हमें पहले भी बताई गई है कि साइकोलॉजी की जो जड़ें हैं या रूट्स हैं वो फिलोसफी से रिलेटेड हैं मतलब जो साइकोलॉजी है वो पहले फ़िलोसफी का ही पार्ट हुआ करता था लेकिन हाउ एवर मॉडर्न मॉडर्न साइकोलॉजी हैज़ डेवलप बिकॉज ऑफ दी एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड एम्फोसाइज ऑन ऑब्जेक्टिविटी ये चीज़ हमने पिछड़ी क्लास में भी पढ़ ली थी ये जो आपकी मॉडर्न साइकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है वो साइंस से रिलेटेड है और साइंस से कैसे रिलेटेड है वो क्योंकि वो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर फोकस करती है कि उस चीज़ को कैसे मेजर किया जाए जैसे कि यहाँ पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका साइकोलॉजी है वो बायोलॉजी से भी रिलेटेड है वो उसकी भी एक साइंस है मतलब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो लोग साइंस लेते हैं उसके अंदर भी आपको साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है क्यों क्योंकि साइकोलॉजी जो है आज वो सिस्टमैटिक बन चुकी है आप डेटा को कलेक्शन कर सकते हैं डेटा कलेक्ट कर सकते हैं साइंटिफिक है ऑब्जेक्टिव है, है बहुत ज़्यादा तो वही चीज़ यहाँ पर भी सेम लिखी हुई है कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मैथड मतलब आज की जो साइकोलॉजी है उसमें साइंटिफिक मैथड को हमने यूज़ किया है जो ऑब्जेक्टिविटी के जो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर फोकस करता है कि इसे कैसे मेजर किया जाए तो हम ना साइंस के अंदर मतलब जैसे साइंस में चीज़ों को मेजर करते हैं अभी पढ़ेंगे हम इसका एक एग्जाम्पल तो जैसे हम साइंस में चीज़ों को मेजर कर लेते हैं उसमें एक ऑब्जेक्टिविटी होती है हर बार सेम आंसर देखने की कोशिश हो सकती है कि मतलब एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हो उसका सेम आंसर आ रहा है तो वही सेम चीज़ हमने साइकोलॉजी के अंदर ऐड करने की कोशिश करी इसलिए इसको हम साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस कहते हैं क्योंकि इसमें ये भी एक तरह का साइंस है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके अब यहाँ लिखा है कि किसान साइकोलॉजी वॉज इन्फ्लुएंस बाय डॉटेज तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेकार्टे भी साइकोलॉजी के अंदर ही है शुरुआती टाइम में इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को समझा था साइकोलॉजी के अंदर तो साइकोलॉजी वाज इफ्लुएंस बाय डॉट एंड लेटर ऑन बाय द डेवलपमेंट्स इन फिजिक्स तो देखो फिजिक्स में ना एक थ्योरी थी जिसे हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी तो यहाँ पे लिखा है बिग बैंग थ्योरी इसके बारे में एक एग्जाम्पल दिया हुआ छोटा सा कि साइकोलॉजी वॉज इन्फ्लूएंस बाय डिकार्टे एंड लेटर ऑन द डेवलपमेंट्स इन फिजिक्स हैज़ ग्रॉन बाय फॉलोइंग वॉट इज कॉल्ड हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है आपने हमेशा सुना होगा ना ये चीज़ के हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देते हैं आपको हाइपोथेटिकल का मतलब है कि जो हो सकता है ऐसा हुआ हो ऐसी परिकल्पना इसको हिंदी में परिकल्पना कहते हैं क्या बोलते हैं इसको परिकल्पना तो एक टाइप से कल्पना टाइप होती है एक इमेजिनेशन टाइप होती है तो उस मॉडल से हम किसी थ्योरी को बनाने की कोशिश करते हैं अब यहाँ पे लिखा है इफ़ यू हैव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन अ फिनोमिना मतलब आप किसी भी चीज़ को आप किसी भी चीज़ को साइंस तब कहोगे जब आपके पास कोई थ्योरी हो किसी फिनोमिना को बताने के लिए कोई भी फिनोमिना कोई भी घटना घटी है अगर तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास एक थ्योरी है फॉर एग्जांपल फिजिसिस्ट हैव व्हाट इज़ कॉल्ड अ बिग बैंग थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स केम टू बी फॉर्म्ड देखो जब यूनिवर्स बना होगा या जब ये सब चीज़ें हो रही थी हम तो नहीं थे ना कैमराज से जो इस चीज़ को कैप्चर कर सके ना कोई इंसान के सामने ये सब चीज़ें हो रही थी तो बिग बैंग थ्योरी कैसे हुई कैसे हमारा यूनिवर्स बना एक्सपैंड हुआ ये सब कुछ किसके ऊपर बेस्ड है हाइपोथीसिस के ऊपर बेस्ड है जिसमें हम एक कल्पना बनाते हैं परिकल्पना बनाते हैं कि ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा होगा या ऐसा हुआ है ये हमें नहीं पता लेकिन ऐसा हो सकता है के ऊपर बेस्ड होती है कि ऐसा हुआ होगा तो इसको हम कहते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल तो जिसके अंदर होता क्या यहाँ पे लिखा है पहला कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट हाउ अ सर्टेन कॉम्प्लेक्स फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन मतलब कुछ स्टेटमेंट होंगे आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं कि ऐसे 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 करके ये फला फिनोमिना जो है वो हुआ होगा आप उसका एक्सप्लेनेशन देते हो बाय अ सेट ऑफ सम स्टेटमेंट्स कुछ स्टेटमेंट्स लिख करके आप इस फिनोमिना के बारे में एक्सप्लेन करते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोपोजिशंस या प्रपोजिशन विच आर इंटर रिलेटेड जो इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं उसका आप प्रपोजिशन देते हो या प्रपोजिशन देते हो मतलब आप कुछ चीज़ों के बारे में बताते हो कि ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं फिर उस थ्योरी के बेसिस के ऊपर जो आपने एक्सप्लेन किया कि ऐसा हुआ होगा बेस्ड ऑन अ थ्योरी साइंटिस्ट डिड्यूज और प्रपोज अ हाइपोथीसिस उसके ऊपर बेस्ड वो एक हाइपोथीसिस बनाते हैं कि मतलब कुछ स्टेटमेंट्स हैं जैसे कि मान लो कुछ स्टेटमेंट है कि ये ये चीज़ें हुई जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हुआ हमें दिखाई दिया और ये सब अब आप उसके ऊपर थ्योरी बनाओगे कि ऐसा हुआ हो सकता है इसलिए ये चीज़ हुई है मतलब आप उस थ्योरी का जो इफेक्ट है जो इफेक्ट आप देख रहे हो इस थ्योरी का कॉज ढूंढने की कोशिश करोगे और सोचोगे कि ऐसा हुआ हो सकता है आप हाइपोथीसिस बनाओगे तो साइंटिस्ट डिड्यूज और प्रपोज अ हाइपोथीसिस हाइपोथीसिस का मतलब है कि ऐसा हुआ होगा आप कुछ उसके लिए चीज़ें लिखोगे दैट ऑफर्स अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ऑफ सर्टन हाउ ऑफ सर्टन फिनोमिना प्लेस तो आप क्या बनाओगे उसके लिए यहाँ पर लिखा है कि आप एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दोगे टेंटेटिव मतलब आप जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दोगे कि ऐसा हुआ हो सकता है कि इस चीज़ की वजह से ये वाला फिनोमिना हुआ हो एग्जाम्पल हमने किसका लिया है बिग बैंग थ्योरी का कि हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हुआ है तो यूनिवर्स एक्सपैंड जब हो रहा था तो हम लोग तो थे नहीं लेकिन हमने ये देखा बाद में हमने देखा कि हमारा यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है मतलब क्योंकि हम वहां तक उसके एंड तक पहुंच नहीं पाए हैं तो यूनिवर्स वाकई में बहुत बड़ा है तो हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे कि ये ये स्टेटमेंट्स हमने देखी मतलब ये हमने चीज़ें देखी कि हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है फिर हमने कुछ प्रोपोजिशन लिखी जो उससे रिलेटेड थी फिर हमने एक हाइपोथीसिस बनाया कि ये सब चीज़ें हुई हैं इसलिए क्योंकि इससे पहले कुछ हुआ होगा मतलब हमने इफ़ेक्ट देख लिया उस चीज़ का अब हम उसका कॉज बता रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा फिर हम एक एक्सप्लेशन देते हैं कि ये सब चीज़ें इस इस तरीके से हुई होंगी एंड जो हमने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ होगा अब हम उसको टेस्ट करेंगे तो द हाइपोथीसिस देन इज टेस्टेड एंड प्रूव ट्रू और फॉल इम्पेरिकल डेटा तो अब आप क्या करोगे आपने जो कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा अब आप उसको टेस्ट करके देखोगे अब आप देखोगे कि हमने जो सोचा था वो ट्रू है कि फॉल्स है तो इसको हम कहेंगे हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल और इसी से इसी अप्रोच का इस्तेमाल करते करते हमने क्या किया है यूजिंग द अब अप्रोच साइकोलॉजिस्ट है लर्निंग की थ्योरीज बनाई हमने मेमोरी की थ्योरी बनाई कि लर्निंग से रिलेटेड क्या थ्योरीज हैं मेमोरी से रिलेटेड क्या थ्योरी है अटेंशन परसेप्शन मोटिवेशन इमोशन ये सब कुछ साइकोलॉजी में हम पढ़ेंगे सारी थ्योरीज पढ़ेंगे एंड हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस और इसी चीज़ से हाइपोथेटिक और डिडक्टिव मॉडल से हमने बहुत ज़्यादा आगे प्रोग्रेस करी सो बेसिकली साइकोलॉजी क्या है एक नेचुरल साइंस होती है मतलब दोनों है नेचुरल साइंस भी है और ये सोशल साइंस भी है मतलब ये हमने उस दिन डिस्कस किया था कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस का भी पार्ट है यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एज अ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के उसमें सिखाया भी जाता है तो ये आपका सिस्टमैटिक है डेटा कलेक्शन कर सकते हैं साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव है और इवन हमने ये चीज़ देख भी ली कि आज हम इसको एक थ्योरी मतलब जो साइकोलॉजी है वो नेचुरल साइंस से रिलेटेड है क्योंकि हम इसकी थ्योरीज बना सकते हैं हाइपोथीस बना सकते हैं इसे टेस्ट कर सकते हैं एक्स, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के लिए तो हम जानते ही हैं कि साइकोलॉजी में लेबोरेटरी बनी हुई है वो भी लिप्जिक जर्मनी में एटीन में बाय विलियम वंट तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस भी है क्योंकि इसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं कुछ हाइपोथीसिस टेस्ट कर सकते हैं कुछ हाइपोथिस बना के उसको टेस्ट कर सकते कि वो ट्रू है या फॉल्स है और इसी के बेस्ड के ऊपर मतलब इसी बेसिस पर साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज़ बनाई जैसे लर्निंग और मेमोरी की अटेंशन की इन सब की थ्योरीज़ बनाई अब आता है कि साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस की साइकोलॉजी एक सोशल साइंस भी है क्यों क्योंकि साइकोलॉजी को रिकॉग्नाइज किया जाता है मोर एज अ सोशल साइंस बिकॉज इट स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हमारा हम ह्यूमंस का एक सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्सट होता है एक समाज होता है और उस समाज का हम हिस्सा होते हैं उसका हम पार्ट होते हैं उसका हम हिस्सा होते हैं राइट और सेम चीज़ है हमारा एक कल्चर भी होता है एक समाज है एक सोसाइटी है तो सोशल लिख देते हैं एंड कल्चरली सो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्सट है दे ऑल्सो क्रिएट दैम ये बनाते भी हैं यहाँ पे लिखा है ह्यूमस आर नॉट यहाँ पे ये चीज़ लिखी है ह्यूमस आर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस बाय देर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्ट दे ऑल्सो क्रिएट दम हमारे ऊपर हमारा समाज हमारा कल्चर इन्फ्लुएंस ही नहीं होता है हमारे ऊपर इसकी छाप देखने को ही नहीं मिलती बल्कि हम इसे क्रिएट भी करते हैं हम खुद इसके निर्माता हैं हम खुद अपना सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट बनाते हैं साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन फोकसज़ ऑन ह्यूमन एज अ सोशल बींग वो हम पे फोकस करते हैं कि हम एक सोशल बींग हैं मतलब हम समाज में रहने वाली प्राणी है तो हम सोशल बींग्स हैं इसलिए साइकोलॉजी के अंदर हम मतलब सोशल साइंस के अंदर हम साइकोलॉजी को इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि ताकि हम इसमें स्टडी कर सकें ह्यूमन को कि हमारा एक एज अ इंडिविजुअल का एक कम्युनिटी के बेसिस पे हमारा क्या रिलेशन है अपने इस इन्वायरमेंट में यानी कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है हमारे समाज के साथ हमारे सोसाइटी के साथ हमारा कैसा रिलेशन है हमारे इन्वायरमेंट के साथ हमारा कैसा रिलेशन है क्योंकि ये सब चीज़ें हम ही बनाते हैं हम ही इस इन्वायरमेंट में रहते हैं दूसरे लोगों के साथ हमारा कैसा रिलेशन है तो सोसाइटी के अंदर ये आ जाएगा कम्युनिटी के साथ हमारा कैसा रिलेशन है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं सो so लर्नर्स अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको एक लाइक like दीजिए साथ में आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सो so दैट आपको ऐसी ही वीडियोज़ जो है वो लगातार मिलती रहे कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस थैंक यू सो मच और अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए